समोसे तो आपने बहुत खाए होंगे, लेकिन पालक के समोसा शायद ही आपने कभी खाया होगा। तो आज मैं आप सबके लिए पालक समोसे की बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। तो फ्रेंड्स, इससे पहले कि इसकी रेसिपी को शुरू करूँ, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगने पर चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। तो इसे बनाने के लिए फ्रेंड्स, मैंने एक डंठल पालक लिया था, इसे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है और अब हम इस मिक्सी के जार में डालकर इसका पेस्ट बना लेंगे। तो इसे मैंने मिक्सी के जार में डाल दिया है और अब हम इसका ढक्कन लगाकर इसका पेस्ट बनाकर साइड में रख देंगे। यकीन मानिए फ्रेंड्स, बहुत ही यूनिक और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी समोसा बनने वाला है हमारा। और इसे पीसकर हम साइड में रख देंगे। और अब हम एक बर्तन लेंगे, उसमें हम डालेंगे एक कटोरी के लगभग आटा। और चाय वाली जो कप होती है उसी से मैंने 4 कप आटा माप कर इसमें ऐड किया है, डाला है। और साथ ही हम इसमें 1 टीस्पून के करीब नमक ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून अजवाइन डाल देंगे हम इसमें। और 2 टेबल स्पून के करीब हम इसमें रिफाइंड ऑयल यूज़ करेंगे मोयन के लिए। और इन्हें हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे इन सारे इंग्रेडिएंट्स को, ताकि ये आटे में अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाए। इस प्रोसेस को करने से फ्रेंड्स, हमारा जो समोसा है पालक का, वो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनकर तैयार होगा। बिल्कुल मार्केट के जैसा क्रिस्पी समोसा बनकर हमारा तैयार होगा। तो इसे अच्छे से मैंने मोयन दे दिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे पालक। जो पालक का हमने पेस्ट बनाकर रखा था, उसी पालक से हमें इसे गूंदना है, यानी कि उसी से हमें इस आटे को समोसा के लिए गूंद कर तैयार करना है। तो थोड़े थोड़े से पालक का बैटर मैं इसमें डालते जा रही हूँ और इसे हम अच्छे से मिक्स करते जाएंगे और इसका एक डो तैयार कर लेंगे। तो एक बार में सारे मिक्सचर को हमें नहीं डालना है, पालक को जो हमने पीस के रखा है उसे हमें नहीं डालना है। थोड़ा थोड़ा सा पालक का जो मिक्सचर है वो हमें इसमें ऐड करेंगे और इसका आटा गूंद कर तैयार कर लेंगे समोसा के लिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये आटा बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हम इसे ढककर कम से कम 5 से 10 मिनट के लिए साइड में रख देंगे। थोड़ा सा तेल हम इसके ऊपर लगा देंगे और इसे ढककर हम इसे 5 से 10 मिनट के लिए साइड में रख देंगे, ताकि इसमें थोड़ा खस्तानेस आ जाए। जब हम समोसा बनाएंगे तो हमारा समोसा और भी ज़्यादा खस्ता बनकर तैयार होगा। तो अब इसे ढककर साइड में रख दे रही हूँ। अब हम समोसे के मसाले की तैयारी कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने एक इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, जिसे मैंने अच्छे से धोने के बाद छील कर रख लिया है। साथ ही 3 से 4 कली लहसुन लिया है हमें, इसे में अच्छे से कूच लेना है, इसे यानी कि इसे अच्छे से कूटना है। आप इसे पीस कर ना डालें, इस तरह से जो डालेंगे तो हमारे समोसे का जो फ्लेवर है वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा खाने में। तो जब भी समोसा बनाए तो इसी प्रोसेस के साथ आप अदरक लहसुन इसमें ऐड करें और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस मैशर की सहायता से। तो रेडी हो गया है। अब हम इसे एक छोटे से कटोरी में निकाल कर साइड में रख देंगे। यकीन मानिए फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और फ्लेवरफुल समोसा हमारा बनकर तैयार होने वाला है। तो इसे मैं निकाल कर साइड में रख दे रही हूँ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस के तरफ। तो इसमें मसाले में ऐड करने के लिए मैंने लिया है 1 प्याज, जिसे मैंने बारीक कट करके रख लिया है। 4 आलू चाहिए हमें, 4 आलू को मैंने अच्छे से बॉईल करके ले लिया है और इन्हें हम एक स्पून की सहायता से, फॉर्क की सहायता से अच्छे से मैश कर लेंगे। अगर आपके पास मैशर है तो आप मैशर से भी इसे अच्छे से इस तरह से मैश कर लें, ताकि ज़रा सा भी गुठली ना रहे हमारे समोसा में जाने के बाद, जो आलू रहता है उसमें गुठली ना रहे। तो इसके लिए हम अच्छे से इसे मैश कर लेंगे। अब मैंने गैस पर एक पैन को गर्म होने के लिए डाल दिया है, उसमें 2 टेबल स्पून के करीब मैंने ऑयल डाला है। साथ ही मैंने 1 टीस्पून जीरा और 3 से 4 लाल मिर्च को मैंने तोड़ कर डाला है और 1 प्याज को मैंने बारीक कट करके इसमें डाल दिया है। और इन्हें हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे 2 से 3 मिनट, जब तक कि इसका कलर हल्का गुलाबी ना हो जाए तब तक हम इन्हें फ्राई करते रहेंगे। तो प्याज हमारा अच्छे से पक गया है। अब इस स्टेज पर हम अदरक लहसुन का जो हमने पेस्ट बना कर रखा था, यानी कि इसे जो हमने मैशर में कूट कर रखा था, वो हम इसमें ऐड कर देंगे और इन्हें भी हम फ्राई कर लेंगे अच्छे से। 2 मिनट फ्राई करने के बाद हम इसमें स्पाइसेज ऐड करेंगे। तो अदरक लहसुन को भी हमें अच्छे से इन मसालों के साथ अच्छे से फ्राई कर लेना है पहले, ताकि इसका जो कच्चानेस है वो निकल जाए। तो प्याज, अदरक लहसुन और जीरा और मिर्च अच्छे से पक चुके हैं। अब इस स्टेज पर हम इसमें डालेंगे ड्राई स्पाइसेस। तो इसके लिए मैंने 1 टीस्पून के करीब हल्दी पाउडर इसमें ऐड किया है। 1 टीस्पून हम इसमें लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। साथ ही हम इसमें 1 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड करेंगे और 1 टीस्पून गरम मसाला ऐड करेंगे और इन्हें हम फ्राई कर लेंगे।
तो अच्छे से मसाले सारे के सारे फ्राई हो गए हैं। आप चाहे तो आप इसमें तेज पत्ता भी ऐड कर सकते हैं। अब मैं 2 टेबल स्पून के करीब पालक डाल रही हूँ। इससे जब हम समोसा हमारा बनेगा वो बहुत बिल्कुल इसका जो फ्लेवर है बिल्कुल पालक के जैसा बनेगा। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी पालक का समोसा बनकर तैयार होगा। तो इसमें मैंने 2 टेबल स्पून के करीब वही पालक का पेस्ट डाला है जो हमने पीस कर रखा था। तो इन्हें हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे 2 मिनट के लिए। और साथ ही हम इसमें डालेंगे मैश किए हुए आलू जो हमने मैश करके रखे थे, वही आलू हम इसमें डालकर इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इन्हें भी हम फटाफट से फ्राई करके रख लेंगे। सारे मसालों के साथ अच्छे से मिक्स करते हुए हम इन्हें फ्राई करेंगे। इस प्रोसेस को करने में फ्रेंड्स 2 से 3 मिनट लग जाएगा। अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि जितने भी स्पाइसेज है वो सब एक साथ मिक्स हो जाए। साथ ही हम इसमें स्वादानुसार नमक ऐड करेंगे। नमक डालने के बाद फिर से हमें इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि सारे मसालों के साथ नमक जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। और साथ ही मैंने इसमें चिली फ्लेक्स ऐड किया है 1 टीस्पून के करीब। इससे जो हमारा समोसा है वो बहुत ही चटपटा और थोड़ा सा तीखा और चटपटा बनकर तैयार होगा। तो इसके लिए मैंने लास्ट में इसमें चिली फ्लेक्स डाला है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 3 से 4 मटर को मैंने छीलकर इसमें डाल दिया है। मटर के दाने डाल दिए हैं मैंने इसमें। और ये देखिए हमारा जो मसाला है वो बनकर रेडी हो गया है समोसा का। अब मैं इसे ठंडा होने के लिए रख दे रही हूँ साइड में। अब हम एक चकला लेंगे और उसके ऊपर जो हमारा समोसे का आटा है उसे पहले मिक्स कर लेंगे और इसके लोई तोड़ तोड़ कर बिल्कुल पूरी के जैसा हमें एक बड़ा सा पूरी इसका बना लेना है। हल्के हाथों से बिल्कुल पतला सा हमें इसे बेलना है। चारों तरफ से जो है एक जैसा होना चाहिए, कहीं से मोटा कहीं से पतला नहीं, बिल्कुल एक जैसा ही ये बनना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स इसे मैंने अच्छे से बेल कर तैयार कर लिया है। अब हम इसे बीच से कट कर देंगे चाकू की सहायता से। तो इसे मैंने बीच से इस तरह से कट कर लिया और अब हम इसे समोसे का आकार देंगे। जो समोसे का आकार होता है उसी आकार में हम समोसे बनाते जाएंगे स्टफिंग भरने के बाद। तो एक तरह इस तरह से हम लेंगे और फिर इसे फोल्ड करेंगे। देखिए किस तरह से इसे फोल्ड करना है वो मैं आपको बता रही हूँ। एक साइड को पकड़ते हुए दूसरे साइड से इस तरह से हमें इसे चिपका देना है बीच से ताकि जो स्टफिंग है वो बाहर ना निकले। तो इसे मैंने अच्छे से इस तरह से चिपका दिया है दोनों को। और अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। समोसा का जो हमने स्टफिंग बनाकर तैयार किया है वो हम इसमें ऐड करेंगे। यकीन मानिए फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा टेस्टी समोसा बनकर तैयार होने वाला है। स्टफिंग भरने के बाद फिर से हम इसके किनारों को अच्छे से पैक कर देंगे, यानी कि अच्छे से हमें इसे चिपका लेना है दोनों साइड को ताकि इसमें से स्टफिंग बाहर ना निकले। तो ये देखिए हमारा समोसा बनकर रेडी हो गया है। अभी एक समोसा मैं आपको और बता रही हूँ, बनाकर दिखा रही हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि इसे किस तरह से बनाना है। तो एक किनारे को पकड़ के दूसरे किनारे से चिपकाते हुए हम इस तरह से पहले बना लेंगे इसे और अब हम इसमें स्टफिंग भर देंगे। स्टफिंग डालने के बाद अच्छे से इसे चिपकाना है फ्रेंड्स, वरना जो स्टफिंग है वो बाहर आ जाएगा। तो इसलिए हमें ज़ोर से दबाते हुए इसे चिपकाना है इसके किनारों को। तो देखिए इस तरह से मैंने दूसरा समोसा भी बनाकर तैयार कर लिया और सेम प्रोसेस से मैंने सारे समोसे बनाकर तैयार कर लिए हैं और ये डीप फ्राई होने के लिए बिल्कुल रेडी है। अब मैंने कढ़ाई में डाल दिया है तेल। तो रिफाइंड ऑयल का यूज़ किया है मैंने इसे फ्राई करने के लिए। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया था। अब हम इसमें समोसे डाल देंगे और इन्हें दोनों तरफ से पलटते हुए पकाएंगे। गैस का फ्लेम हमें मीडियम रखना है फ्रेंड्स। अगर आप फुल फ्लेम पर रखेंगे तो ये बहुत ही जल्दी पक जाएगा लेकिन अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो इसलिए हमें मीडियम फ्लेम पर इसे पकाना है, तभी जो ये है क्रिस्पी बनकर तैयार होगा। तो मीडियम फ्लेम पर हम इसे बनाते रहेंगे पलट पलट कर, जब तक ये क्रिस्पी ना हो जाए तब तक हम इसे बनाते रहेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा समोसा कितने अच्छे से फूला भी है और बहुत ही क्रिस्पी दिख रहा होगा आपको। जैसा क्रिस्पी लग रहा है बिल्कुल वैसा ही क्रिस्पी बनकर हमारा समोसा तैयार हुआ था। यकीन मानिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार हुआ था फ्रेंड्स। घर में सबको बहुत ही अच्छा लगा था। तो आप इसे अपने घर पर ज़रूर ट्राई करें फ्रेंड्स, यकीन मानिए घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो ये हमारा पालक समोसा बनकर तैयार है। सेम प्रोसेस से बचे हुए समोसे भी हम बनाकर तैयार कर लेंगे।
तो फ्रेंड्स आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि समोसा कैसा बना है, और वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। तो देखिए सेम प्रोसेस से मैं बाकी के समोसे भी बनाकर मैंने तैयार कर लिए हैं। बहुत ही फुला फुला क्रिस्पी और टेस्टी समोसा बनकर हमारा तैयार हुआ है। देखिए फ्रेंड्स कितना क्रिस्पी समोसा हमारा बना है। तो देखिए अब मैं इसकी प्लेटिंग कर ले रही हूँ। यकीन मानिए फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना है। आप इसे अपने घर पर विंटर सीजन में ज़रूर ट्राई करें, शाम के टाइम पे सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। मैं इसे सर्व कर रही हूँ ग्रीन चटनी और लाल चटनी के साथ। तो ये हमारा टेस्टी समोसा बनकर तैयार है। तो फ्रेंड्स आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच कीजिए, रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स मैं आपको एक समोसा तोड़ के दिखा रही हूँ कि ये कितना क्रिस्पी बनकर तैयार हुआ है, और इसकी स्टफिंग देखिए कितना टेस्टी लग रहा है देखने से ही। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।